नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जहां हम आपको कराएंगे माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों के दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्वती उमा या गौरी मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विवाह, संतान की देवी है। देवी पार्वती कई अन्य नामों से जानी जाती है। ये सर्वोच्च हिंदू देवी परमेश्वरी आदि पराशक्ति की साकार रूप है और शक्त संप्रदाय या हिंदू धर्म में एक उच्च कोटि या प्रमुख देवी है और उनके कई गुण, रूप और पहलू हैं। उनके प्रत्येक पहलुओं को एक अलग नाम के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे उनके भारत की क्षेत्रीय हिंदू कहानियों में 10,000 से अधिक नाम मिलते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वो हिंदू देवी देवताओं की त्रिमूर्ति का निर्माण करती है। माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी है। ये पर्वत राजा हिमाचल और रानी मैना की बेटी है। पार्वती हिंदू देवताओं गणेश, कार्तिकेय, अशोक, सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी की माँ और अयप्पा की सौतेली माता है। पुराणों में उन्हें श्री विष्णु की बहन कहा गया है। वे ही मूल प्रकृति और कारण रूपा है। शिव विश्व के चेतना है तो पार्वती विश्व की ऊर्जा है। पार्वती माता जगत जननी है। पार्वती शब्द वैदिक साहित्य में प्रयोग नहीं किया जाता था, इसके बजाय अंबिका रुद्राणी का प्रयोग किया गया है। उपनिषद काल के दूसरे प्रमुख उपनिषद केनोपनिषद में देवी पार्वती का जिक्र मिलता है। वहां उन्हें हेमवती उमा नाम से जाना जाता है तथा वहां पर उन्हें ब्रह्मा विद्या भी जानने को मिलता है और उन्हें दुनिया की मां की तरह दिखाया गया है। यहां देवी पार्वती को सर्वोच्च परम ब्रह्मा की शक्ति या आवश्यक शक्ति के रूप में प्रकट किया गया है। उनकी प्राथमिक भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में है, जो अग्नि, वायु और वरुण को ब्रह्मा ज्ञान देती हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर, त्रिपुरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था और ये सभी टुकड़े पूरे देश में अलग अलग जगहों पर गिरे थे और इन स्थानों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दाहिना पैर उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके माता बारी में गिरा था। इस पीठ स्थान को कुर्म पीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर परिसर का आकार कुर्म या कछुए जैसा दिखता है। मंदिर के प्रमुख देवता मां काली की मूर्ति गर्भगृह में खड़ी है और ये लाल रंग के काले पत्थर से बनी है, जिसे बंगाली में कष्टी पाथर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत में 51 सबसे पवित्र शक्ति पीठों में से एक है। देवी काली को उनके अवतार में शोरोशी के रूप में पूजा जाता है। माँ काली के छोटे आकार की एक मूर्ति, जिसे छोटो माँ कहा जाता है, पीठासीन देवता के बगल में खड़ी है। इसे कथित तौर पर राजाओं द्वारा शिकार अभियानों के दौरान और युद्ध के दौरान तंबू में पूजा के लिए ले जाया जाता था। मंदिर में एक गुबंद के साथ विशिष्ट बंगाली झोपड़ी संरचना का वर्ग प्रकार का गर्भगृह है। मंदिर का निर्माण 1501 ईस्वी में तत्कालीन महाराजा धन्य माणिक्य द्वारा किया गया था। मंदिर के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध कल्याण सागर झील है, जहां विशाल आकार की मछलियां और कछुए पाए जाते हैं और भक्त उन्हें मूरी और बिस्कुट खिलाते हैं। कल्याण सागर झील में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। हर साल दिवाली पर मंदिर के पास एक प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री आते हैं। सुरकंडा देवी मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर पार्वती को समर्पित है। ये मंदिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक है और लोकप्रिय देवी दर्शन त्रिकोण का एक हिस्सा है, जिनमें चंद्र बदनी और कुंजापुरी शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुरकंडा देवी मंदिर की उत्पत्ति का श्रेय भगवान शिव की पत्नी देवी सती को दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के बलिदान में खुद को बलिदान कर दिया था। जब उन्होंने युगल को यज्ञ में आमंत्रित नहीं करके शिव को शर्मिंदा किया था, जब शिव सती के शरीर को लेकर कैलाश वापस जाते समय स्थान से गुजर रहे थे, तो उनका सिर उस स्थान पर गिर गया, जहां सुरखंड देवी का आधुनिक मंदिर खड़ा है और जिसके कारण मंदिर का नाम सिरखंड पड़ा, जिसे अब सुरकंडा कहा जाता है।
लगभग 2756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और बर्फीले हिमालय की चोटियों के साथ आसपास के क्षेत्र का 360 डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा ये देहरादून, ऋषिकेश, चंद्रबदनी, प्रताप नगर और चकराता का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। पाटन देवी मंदिर पटना। पाटन देवी मंदिर पटना बिहार के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। मंदिर लगभग 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। पटना के पाटन देवी भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है और हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती की दाहिनी जांघ यहां गिरी थी। शेष भाग देश भर में 50 अन्य स्थानों पर गिरा था। मंदिर में देवी काली, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भैरव की काले पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। बड़ी पाटन देवी मुख्य मंदिर है, जबकि पास में स्थित छोटी पाटन देवी भी बहुत पवित्र है। पाटन देवी को मां पटनाईश्वरी भी कहा जाता है, जो पटना के सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। मंगला गौरी मंदिर। मंगला गौरी मंदिर शक्ति पीठम गया बिहार भारत में पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण और देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में अन्य शास्त्रों और तांत्रिक कार्यों में उल्लेख किया गया है। ये मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी का है। ये मंदिर गया के मुख्य रूप से वैष्णव तीर्थ स्थल में सती या देवी माँ को समर्पित है। मंगलकोरी को परोपकार की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर एक उप शक्ति पीठ का गठन करता है, जहाँ ये माना जाता है कि सती के शरीर का एक हिस्सा पौराणिक कथाओं के अनुसार गिरा था। यहाँ सती को एक स्तन के रूप में पूजा जाता है, जो पोषण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है जो भी माँ दुर्गा के पास अपनी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं लेकर आता है, वह सभी प्रार्थनाओं और मनोकामनाओं के साथ सफलता पूर्वक लौटता है।